कोरोना का नया स्ट्रेन आरटीपीसीआर टेस्ट को भी जो मात दे रहा है वो निश्चित तौर पर हम सबके सामने एक और नई और बड़ी समस्या है। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी वायरस के जज में आ रहे हैं फेफड़े, ये बताया जा रहा है। बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी परेशानी के बाद भी नेगेटिव आ रही है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, और जब डॉक्टर्स सीटी स्कैन करते हैं तो मरीज पॉजिटिव आता है। चंद दिन में मरीज को गंभीर बना रहा है कोरोना का ये नया स्ट्रेन। एक्सपर्ट्स की राय है कि लक्षण होने पर कराना चाहिए आरटीपीसीआर टेस्ट, और लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट कई बार नेगेटिव आ रही है और मरीज होता है पॉजिटिव। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक अहम खबर और आपको बता दें, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है कोरोना की ये दूसरी लहर, ये बड़ी अपडेट भी है। दिल्ली में 8 महीने से 12 साल तक के बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित हो रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।